कोरोना काल में स्कूल फीस व अन्य जरूरी सेवाओं पर टैक्स माफ किए जाने को लेकर शिवसेना द्वारा जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से आम आदमी की आर्थिक स्थिति दयनीय होती दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि लॉकडाउन में मार्च अप्रैल मई जून की बच्चों के स्कूल फीस माफ कराई जाए। लॉकडाउन में मार्च अप्रैल मई जून का बिजली का बिल व वाटर टैक्स माफ किया जाए आदि मुख्य मांगे। ज्ञापन देने वालों में लालाराम अवतार सागर, प्रमोद कुमार, राकेश श्रीवास्तव, प्रदीप कश्यप राजपूत, राजा बाबू राजपूत, डॉक्टर प्रकाश बिश्नोई, वीर सिंह आदि लोग मौजूद थे। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में लॉकडाउन में कोरोना काल में माह मार्च अप्रैल मई जून की स्कूल की फीस माफ करने की मांग करते हैं और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स माफ करने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि कोरोना काल में लॉकडाउन में सभी का बिजली चौपट हो चुका है, अभिभावक बच्चों की स्कूल की फीस भरने में नाकामयाब हो रहे हैं, बिजली चौपट हो चुका है, भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि स्कूल की बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ की जाए और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का बिल भी माफ़ किया जाए। जय हिंद।